दिल्ली से सटे गाजियाबाद का नगर निगम एक बार फिर सवालों में है। भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर निगम के अफसर पर सवाल उठे हैं। इस बार आरोप लगा है जिस कंपनी के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच चल रही है, उसी कंपनी से 37 लाख रुपए का सामान खरीदा गया। करप्शन में फंसी कंपनी से स्ट्रीट लाइट का सामान खरीदा गया। निगम की जाँच कमेटी ने इसकी पुष्टि की है। जाँच कमेटी के चेयरमैन ने रिपोर्ट सौंप दी है। तो गाजियाबाद से खबर, जहां पर नगर निगम एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर निगम के अफसर पर सवाल उठे हैं। इस बार आरोप लगा है कि जिस कंपनी के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच चल रही है, उसी कंपनी से 37 लाख रुपए का सामान खरीदा गया है। करप्शन में फंसी कंपनी से स्ट्रीट लाइट का सामान खरीदा गया है। निगम की जांच कमेटी ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। जांच कमेटी के चेयरमैन ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। तो सवाल यही है कि जब अगर जिस कंपनी पे ऑलरेडी यहाँ पर करप्शन के केस चल रहे हों, और अगर उसी कंपनी से सामान खरीदा जा रहा है, तो आखिर क्या वजह है जो सामान खरीदा जा रहा है। ऐसे में इसकी पुष्टि भी हो गई है और रिपोर्ट भी सौंपी है। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार गाजियाबाद नगर निगम के अफसर भ्रष्टाचार को लेकर सवालों के घेरे में है। इसी महीने ये खबर आई थी कि ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार ने इंजीनियर को गिफ्ट में कार दी है। जिस ठेकेदार ने इंजीनियर को कार गिफ्ट की थी, उसने नगर निगम के रमतेराम रोड स्थित मल्टी लेवल पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का काम अधूरा छोड़ दिया था। निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने बिना काम कराए ही ठेकेदार को करोड़ों रुपए का भुगतान करा दिया। नगर आयुक्त ने इस घोटाले की जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। अनुराग हमारे संवाददाता सीधे गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। अनुराग, सवालों के घेरे में पहले भी नगर निगम के अफसर थे, और एक बार फिर से क्या वजह है जो बार बार ऐसे नाम सामने आ रहे हैं और सवालों के घेरे में घिरते जा रहे हैं? देखिए दीपाली, वजह और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी तक केवल नोएडा अथॉरिटी एक ऐसी अथॉरिटी थी जहां पर इस तरह के बड़े घोटाले होते थे। साफ तौर पर सामने देखा जाता था कि जो कंपनियां ब्लैकलिस्टेड हैं, उनको लगातार टेंडर दिए जाते थे और उनको ठेके दिए जाते थे। लेकिन अब उसी तरह का जो घटनाक्रम है वो गाजियाबाद नगर निगम में लगातार दीपाली देखने को मिल रहा है। एक ऐसी कंपनी जो पूरी तरह से ब्लैकलिस्टेड थी और उसके खिलाफ करप्शन के कई मामलों की जाँच चल रही थी, तो उसी फर्म को दोबारा से टेंडर डालकर उस कंपनी से करीब 37 लाख रुपए का सामान खरीदा नगर निगम ने। उसमें कंप्यूटर का सामान भी है और उसमें स्ट्रीट लाइट से जुड़े सामान भी खरीदे गए। और जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, तब जाकर निगम के अफसरों की नींद जागी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक जो नतीजा है वो पूरी तरह से सिफर है। हालांकि जो नगर निगम की जांच कमेटी है, जो उसके चेयरमैन है राजेंद्र त्यागी, जो कि पार्षद भी है, ये समय समय पर नगर निगम के घोटाले उठाते रहते हैं, तो इन्होंने इसकी पूरी जाँच रिपोर्ट सौंप दी है नगर आयुक्त को। लेकिन नगर आयुक्त ने अभी तक किसी तरह का संज्ञान इस मामले में नहीं लिया है। दरअसल इस मामले में एक खेल ये भी है कि जब भी कोई टेंडर प्रक्रिया होती है, तो उसमें कई कंपनियों से आवेदन मांगा जाता है। उसमें देखा जाता है कि कौन सी कंपनी सस्ता सामान नगर निगम को या किसी भी अथॉरिटी को उपलब्ध कराएगी, उसी को टेंडर दिया जाता है। लेकिन इसमें एक खेल ये भी हुआ है कि जो स्ट्रीट लाइट के लिए टेंडर हुआ था, उसमें तीन कंपनियों ने आवेदन किया था, और सबसे अहम बात यह है कि तीनों कंपनियों के नाम अलग थे, लेकिन जो उनका मालिक था वो एक ही था। यानी कि कहीं ना कहीं जो नगर निगम के अधिकारी हैं, उन्होंने इस तथ्य को छिपाया और जिस ठेकेदार से उनको फायदा होता, उसी से उन्होंने सामान की खरीद करा ली। और जब उसकी इस मामले की जांच में और तह में हुई, तो पता लगा कि ये तो वही ब्लैकलिस्टेड फर्म है जिसकी कई करप्शन के मामले में जांच चल रही थी। इसने 100 रुपए के सामान को 500। बिल्कुल अनुराग, अब ये देखना होगा कि इस मामले में अगर जांच करने के बाद पुष्टि हो गई है, सही पाया गया है, तो अब कार्रवाई कैसे की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया अनुराग ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।